अयोध्या में वर्षों से जनता की समस्याओं से जूझने वाले समाज सेवी हनुमान सोनी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। आम जनता के लिए वर्तमान की तरह ही भविष्य में भी उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। यह उद्धार सोमवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गोसाईगंज के नगर पंचायत चेयरमैन के भावी प्रत्याशी हनुमान सोनी ने कही। उन्होंने गोसाईगंज नगर पंचायत क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में समाज सेवा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अब तक गरीब लड़कियों की शादी, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की आर्थिक मदद व स्वास्थ्य की देखरेख, गरीब परिवार की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, उनके भरण पोषण के लिए कई कार्य किए। इसका उद्देश्य, मैं नगर पंचायत गोसाईगंज का चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहा हूं, जिससे हमारी जनता हमारी बातों को सुने, यही मेरा उद्देश्य है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।